नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आप सभी लोगों का ब्यूटी टिप्स नम्रता चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे की स्किन, चेहरे की, गर्दन की, हाथ की, पैर की, कहीं की भी स्किन आप चाहते हैं गोरी दिखे, सुंदर दिखे, चमकदार दिखे, साथ ही साथ टाइट हो, तो आप ये मेरा नुस्खा यूज करिए। आप देखेंगे इस नुस्खे से आपके चेहरे के जो अनचाहे बाल हैं वो भी हट जाएंगे आपके, तो यानी कहने का मतलब है आपकी स्किन भी टाइट होगी, गोरी होगी और साथ ही साथ चमकदार होगी और साथ ही साथ आपके जो चेहरे के जो रुएं हैं, जो बाल हैं, वो भी हट जाएंगे मात्र इस नुस्खे से। तो सबसे पहली सामग्री यहाँ पे मैंने लिया है, ये है दोस्तों मेथी दाना पाउडर। मैंने मेथी को मिक्सी के जार में डाल करके इसका पाउडर बना लिया था, तो आधा चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें मेथी पाउडर और इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच एलोवेरा जेल। और अब इसके बाद में इसमें तीसरी सामग्री हम डालेंगे, वो है दोस्तों क्या, उससे पहले हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। दोस्तों इस नुस्खे को आप जरूर ट्राई करना, इसका रिजल्ट मात्र आपको पहली बार जब यूज करेंगे आप अपने चेहरे पर तो तुरंत दिखेगा, आपका चेहरा बिल्कुल सुंदर, गोरा और टाइट, स्किन टाइट दिखेगी आपकी पहली बार के ही प्रयोग से। आपके चेहरे की सारी गंदगी को साफ करेगा और अनचाहे बालों से छुटकारा भी दिलाएगा चेहरे के। अब इसमें हम डालेंगे तीसरी सामग्री, ये है दोस्तों गुलाब जल। ये आप लोग सभी जानते हैं कि गुलाब जल जो होता है ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, मुलायम बनाएगा और साथ ही साथ खुशबूदार बनाएगा, यानी कि आपकी स्किन से एक खुशबू आएगी बिल्कुल सोनी सोनी सी। आप इसको ट्राई करना। तो अब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे शुगर पाउडर, यानी कि चीनी का पाउडर। ये चीनी का पाउडर मैंने घर पे ही बनाया था मिक्सी से, यानी मिक्सी के जार में चीनी को डाल दिया था और इसका पाउडर बना लिया है। तो आधा चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है शुगर पाउडर और अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे दही, यानी कि कर्ड। तो आप लोग जानते हैं कि दही जो होता है ये गंदगी को हटाने में बहुत तेज़ी से मदद करता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दही को हमें लेना है, यानी कि डेढ़ चम्मच हमें लेना है यहाँ पर गाढ़ा दही। दोस्तों ये जो दही है ये आपके रोम छिद्रों को डीपली जा कर के साफ करेगा, जो कि हमारे ये जो रोम छिद्र होते हैं ये रात को खुली हवा यानी खुली सांस लेते हैं, जिससे कि आपके चेहरे पर ग्लो आता है और आपकी स्किन बिल्कुल चमकदार, सुंदर, गोरी और टाइट दिखने लगती है। तो चलिए एक यानी कि चेहरे पर एक अलग सा ही ग्लो आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पैक को तैयार करके और इसके बाद में इस पैक को लगाना है आपको अपने चेहरे पर। दही आप गाढ़ा लें, अगर दही गीला हो तो आप इसको छन्नी में रख करके इसका पानी निकाल दें और उसके बाद में आप दही को लें। तो इस तरीके से आप लेप कर दीजिए पूरे चेहरे पर इस पैक से और उसके बाद में इस पैक को लगभग 5 मिनट के लिए आप ऐसे ही लगा कर छोड़ दीजिए। और लगाने के बाद 5 मिनट बाद आप क्या करें, इसका करिए मसाज यानी कि स्क्रब। तो यहाँ पर जो मेथी दाना का पाउडर लिया था तो उससे होगा स्क्रब, जिससे कि आपका चेहरा, जो चेहरे की गंदगी है, जो चेहरे में क्या कहते हैं अनचाहे बाल हैं, वो भी हटाएगा मात्र ये मेरा नुस्खा। तो आप क्या करें, सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से आप मसाज करिए। मसाज आपको लगातार 10 मिनट तक करना है और 10 मिनट मसाज करने के बाद में आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से साफ कर लीजिए। और ये जो पैक मैं बता रही हूँ, इस पैक को आपको रात में लगाना है सोने से पहले। तो आप मसाज करके आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से साफ कर लीजिए और उसके बाद में कोई भी फेस वॉश, कोई भी क्रीम ना लगाएं। आप बस पानी से साफ करिए और कपड़े से यानी कॉटन के कपड़े से आप अपने चेहरे का पानी सुखा दीजिए और उसके बाद में चेहरे को रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें और सुबह आप अपने फेस वॉश से अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। अगर इस तरीके से आप हफ्ते में इस पैक को 3 बार या फिर 4 बार लगाते रहे तो दोस्तों सच बोल रही हूँ, आपका जो चेहरा है, जो चेहरे की स्किन है, किसी भी एक्टर से कम नहीं लगेगी। आपको एक भी फेशियल नहीं कराना होगा, ये मेरी गारंटी है। आप इसको जरूर ट्राई करना। दोस्तों घर की चीज़ों का जो फ़ायदा मिलता है ना, वो बिल्कुल स्थगित मिलता है यानी स्थायी रूप से मिलता है, और केमिकल वाली चीज़ों का जो फ़ायदा मिलता है वो कुछ दिनों के लिए मिलता है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए आप इस पैक का जरूर इस्तेमाल करें और आप देखेंगे आपको बिल्कुल नेचुरल गोरा, आपका जो स्किन, जो चेहरा है, बिल्कुल नेचुरल गोरा, खूबसूरत,
चमकदार, टाइट, ब्राइट, आप देखना सारी समस्या समाप्त हो जाएगी आपके चेहरे की। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई नुस्खे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को